बीएसपी से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद पहली बार सामने आए हैं और उन्होंने बसपा अध्यक्ष मायावती के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आकाश आनंद ने खुद को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटाए जाने पर जवाब दिया है। आकाश आनंद ने इस बारे में आज ट्विटर पर लिखा, आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्षों की वजह से आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पे, भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। तो आकाश आनंद ने साफ कर दिया कि वो बसपा से बाहर होने के बाद भी आजीवन बसपा और मूवमेंट के लिए काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार देर रात बड़ा फैसला लेते हुए आकाश आनंद को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से हटा दिया था और कहा था कि आकाश आनंद अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। बैंजी ने ट्विटर पर इस बारे में तब लिखा था, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी व मैंने खुद अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे हटने वाला नहीं है। बहन जी के इस ट्वीट में एक बात साफ है कि उनका ये फैसला आकाश आनंद की मैच्योरिटी को लेकर किया गया है। उन्होंने साफ किया कि पार्टी और मूवमेंट के हित में पूर्ण परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने तक अभी इन दोनों जिम्मेदारियों से उन्हें अलग किया जा रहा है। लेकिन आकाश आनंद ने ऐसा क्या किया था जो उनकी मैच्योरिटी पर ही सवाल उठने लगे और फिर बेंची ने उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया। दरअसल इन सबके पीछे आकाश आनंद का यूपी के सीतापुर में दिया वो बयान है जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए उसकी तुलना तालिबान से कर दी थी और लोगों को लाठी और जूते मारने की नसीहत दे डाली थी। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है, जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वो चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसका, उसके बदले तुम्हें वोट नहीं ये डंडा मिलेगा। जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहाँ बच्चे भूखे रहें, जहाँ बहन बेटियों पर अत्याचार हो, जहाँ युवा बेरोजगार हो, जहाँ जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है, ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। आकाश आनंद ने सीतापुर में 5 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित किया था। आकाश आनंद पर हिंसा भड़काने और असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप में सीतापुर पुलिस ने आईपीसी की धारा 171 सी, 153 बी, 505 और आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही पार्टी के प्रत्याशियों और रैली के आयोजकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था।
आकाश आनंद को लोग फ्लावर समझ रहे थे, लेकिन इस चुनाव में वो फायर साबित हो रहे थे। बड़े बड़े विपक्षी नेता भी बीजेपी को लेकर इतना तीखा नहीं बोल रहे थे जितना आकाश बोल रहे थे। उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुट रही थी और उनकी रैलियों की डिमांड भी लगातार बढ़ रही थी। उनके भाषणों से बसपा में नई जान आ रही थी और खासकर युवाओं में आकाश आनंद बेहद लोकप्रिय हो रहे थे। लोग तो ये तक कह रहे थे कि आकाश आनंद अगले मान्यवर कांशीराम साहिब साबित होंगे, जो बीएसपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन उनके तीखे भाषणों और भाषा शैली में शायद बसपा अध्यक्ष मायावती को नाराज कर दिया। उनके जो इंटरव्यू मीडिया में आए उसमें भी उन्होंने कई ऐसी बातें बोल दी जो सही नहीं थी। दरअसल बहन जी हमेशा शालीन रहकर सियासत करती हैं और बीएसपी में अनुशासन को सबसे ऊपर रखती हैं। बाकी पार्टियों की तरह बीएसपी के नेता जो मन आए वो नहीं बोल सकते। बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए अनुशासन सबसे जरूरी है, लेकिन शायद ये अनुशासन अभी आकाश आनंद में पूरी तरह से नहीं आया होगा, इसलिए बहन जी ने उन्हें पार्टी से कुछ समय के लिए अलग करने का बड़ा फैसला ले लिया और ये भी बता दिया कि पार्टी के हित में वो अपने जो परिवार के लोग हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं रहेंगी। बहन जी के इस फैसले के बाद ये जानने के लिए लोग उत्सुक थे कि आकाश आनंद का अगला कदम क्या होगा, वो क्या करने वाले हैं। लेकिन अब आकाश आनंद ने साफ कर दिया कि उनका जीवन बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को समर्पित है। बहन जी उनकी सबसे बड़ी नेता हैं। बसपा समर्थकों को उम्मीद है कि जल्द ही बहन जी आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी देंगी और ये उनकी परीक्षा ली जा रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।